बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाफिज़गढ़ ऑफिशियल में खुश आमदीद। वतुज़ू मन तशा वतुज़िलू मन तशा। जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती रहे। अल्लाह ताला के करम फजल और रहमत के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम ऑल व्यूअर्स, मैं मोहम्मद खिजर, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आगे इरफान भाई सब सेटअप से जाते हैं, उनका इंटरव्यू करते थे, तो आज हम इरफान भाई के सेटअप पे आए हैं, तो आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खिजर भाई, मैं भी ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अच्छा, हाफिज़ बर्ड ऑफिशियल किसी भी तरीफ का मोहताज नहीं। इरफान भाई आप बताएं, ये आपको हॉबी जो बर्ड्स हॉबी, इसका शौक कैसे हुआ और ये कब से शौक है आपको? इधर भाई सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला मेरे पास आए। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जैसा खिजर भैया मेरे क्लास फेलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कटी इंजीनियरिंग की बिल्कुल, है बिल्कुल, तो ये 4 फरवरी 2018 में मुझे इलेक्टिव शॉट लगी थी, जिस वजह से मैं बिल्कुल फ्री हो गया था। वैसे तो ये जो हॉबी है ये मेरी बचपन से ज्वाइन है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैंने कोई ना पेट घर में रखा है। कैट्स भी मैंने ब्रीड करवाई है, डॉग्स भी करवाई है, लेकिन बर्ड्स की कभी मैंने ब्रीड नहीं करवाई थी। एज अ शौकिया रखा, कभी मिट्टू आ गया, कभी कबूतर ले आया, कभी कोई ऑस्ट्रेलिया रख लिए, उन तक ने नहीं मुझे आज तक ब्रीड दी थी। सही। तो फिर जब इलेक्ट्रिक शॉट लगी उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री था। जैसे आपको पता है मैं आप BSc इंजीनियरिंग में चले गए, मैं बिल्कुल फ्री था जी जी। उसके बाद मुझे इस बारे में थोड़ा पता भी था कि ये बहुत अच्छी हॉबी है और इसमें घर बैठे बहुत अच्छे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो उसके बाद जो प्रोफेशनली ना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है, और अभी भी मेरे घर बजरी भी है, लव बर्ड की तकरीबन बहुत सारी कैटागरीज में, बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत अच्छे क्वालिटी ब्रीडरों से मैंने परचेज करके यहाँ तक आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी साल जो मैंने नई एंट्री की थी वो बड़ी म्यूटेशन में थी के रिंगनेक वगैरह में, मैंने इस सीज़न 2 रिंगनेक के पेड़ों से ब्रीड ली है, अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और आते सीज़न उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं येलो रिंगनेक का फ्रीकन ग्रे कोकाटू इस तरह की ना कोई ना कोई पंगा लेंगे। तो बताएं कि आप बर्ड्स में म्यूटेशन में कौन कौन सी ब्रीड ले रहे हैं आप? जी वैसे तो खिजर भाई अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सारे भाई जानते हैं, और इन सब भाइयों की मोहब्बत और सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में मेरे बर्ड जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी होम ब्रीड या मैंने इधर उधर से लेके दोस्तों तक पहुँचाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो खिजर भाई जो मैंने लव बर्ड जो मेरा ज़्यादा फोकस है ना वो लव बर्ड पे है, वो मेरे पास फीचर से लेके पेल फेलो ऑफलाइन तक है। इसमें ग्रीन ऑफलाइन सिंपल भी है, सब्लिट पेल फेलो भी है, पेल फेलो सब्लिट ऑफलाइन भी हैं, ग्रीन यूविंग सब्लिट ब्लू, ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी कैटागरी लव बर्ड में ना म्यूटेशन है अपनी गिरफ्त की है अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपके पास पेड़ भी ज़्यादा है, लव बर्ड मुख्तलिफ म्यूटेशन वाले ही लगे हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अपने व्यूवर्स को अब आप दिखाएँ अपने सेटअप। जी जरूर, क्यों नहीं अपने सेटअप का, ये मेरा सेटअप नहीं, ये मेरे भाइयों के सेटअप है। जो भाई इधर आना चाहे मिलना चाहे, डिस्क्रिप्शन पे स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, मोस्ट वेलकम, आप कॉल करें और आपका अपना सेटअप जब मर्जी आ सकते हैं। चलें आइए जी इरफान भाई। जी खिजर भाई, सबसे पहले तो ये मेरी लाडो है जी, ये फीमेल, और ये मेरा रिंगनेक का पेड़ है जो इस साल इंशाल्लाह फर्स्ट ब्रीड करेगा। ये मैंने चिक लेके पाला था, घर वालों को भी शौक था टेम करने का, लेकिन घर वालों ने टेम किया, घर वालों को सबको काट दिया, मुझे नहीं बस कुछ कहती, इसीलिए मेरी ये लाडो है जी और ये इसका मेल है। तो इंशाल्लाह ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगी, तो इसके साथ ये नीचे मेरा लबड़ का पोर्शन शुरू हो जाएगा। सर जी ये मेरा ब्रीडर पेड़ है जी फोस्टर, इसमें ब्लू परसनाटा का मेल है, लेटिनो फिशरी की फीमेल है जी, ये लटीनो भी है और येलो फिशरी भी है जी। सही सही। क्योंकि ये ग्रीन फिशर और लटीनो परसनाटा के क्रॉस में से ये बर्ड आया है। ठीक है। और इसके साथ मार्केट की हॉट आइटम जो कि मेरा बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा रेड टू सब्लिट का पेड़ है माशाल्लाह। इसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सीजन में कोई 27 बच्चे दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसने बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी है, और 2 से 3 हर क्लच में 3 बच्चे लाजमी रेड आई जाए, ये बहुत ही मेरा ज़बरदस्त पेड़ है माशाल्लाह जी। खिजर भाई इसके साथ ये मेरा डेकिनो तो क्रीमिनो का पेड़ है, ये इंशाल्लाह इस साल फर्स्ट ब्रीड करेगा इंशाल्लाह।
और इसके साथ ये मेरा पार्वलू पास्टर सब्जेक्ट इनो की फीमेल है जी, अल्बाइनो रेड है, कंफर्म फिशरी मास्किंग का मेल है जी। सही सही। और ये मेरा फिशरी अल्बाइनो कंफर्म हो चुका है माशाल्लाह। और इसके साथ सर जी ये मेरा एक बजरीज का पेड़ है जिसमें एग्जीबिशन की फीमेल है, यूके ब्लड लाइन की, ये मिर्जा हाशम वाले फ्रॉम तख्तौन फैसलाबाद में उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, लेकिन इसका मेल एक्सपायर हो गया था। सही सही। और इसके साथ मैंने अब होगोरोमो का मेल लिया, ये मेरा बहुत अच्छा बिलाल भाई दोस्त है, उन्हें मुझे ये फ्री गिफ्ट किया था मेल। इसके साथ मैं देख रहा हूँ ये जी खिज़र भाई, ये ना कुछ फिंचेस थी इस साल, ये फर्स्ट मैंने ये भी ऐड की थी, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके साथ ये एक चिक रह गया, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सेल हो गए थे इसके। जी इरफान भाई ये सबसे ऊपर आपने सर जी, ये मेरा फिशरी मास्किंग का पेड़ है जी, फिशरियों का ब्लू फिशरी टू वायलेट फिशरी, और इसमें जो फीमेल है वो पॉसिबल ब्लू टू है जी। और ये हमारे ताहर गुजर फैसलाबाद के बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। और इसके साथ मेरी सेम पेयरिंग है जी, ब्लू यूविन की फीमेल है जी, और पार ब्लू का फिशरी मास्किंग, देखे क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये मेल है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके नीचे साथ फिर मेरा सजी अल्बाइनो रेड टू सब्लीट का पेयर है, आपको पता है कमर्शियल पेयरिंग चल रही है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जितने भी अल्बाइनो है ना उनकी सर्वाइविंग रेशो बहुत अच्छी रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे अल्बाइनो रेड आई चाहिए माशाल्लाह। और इसी के साथ सजी ये मेरा ग्रीन यूविंग सब्लीट ब्लू सब्लीट पार्लू सब्लीट ऑफलाइन का मेल है, और ग्रीन ऑफलाइन बी वन बी टू की फीमेल है, ये इंशाल्लाह फर्स्ट सीजन ये क्लच इस फर्स्ट ब्रीड करेगी अल्लाह के हुक्म से। तो इसके नीचे इरफान भाई जी, इसके नीचे मेरा सबसे फेवरेट खिज़र भाई ये पेड़ है, इसमें ग्रीन ऑफलाइन सब्लिट ब्लू का मेल है, और ग्रीन यूविंग सब्लिट ब्लू वन ब्लू टू की फीमेल है जी, ये माशाल्लाह बहुत टॉप क्वालिटी के मेरे ये दोनों बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ सर जी ये मेरा ग्रीन फिशर सब्लिट ब्लू सब्लिट पेलफेलो और सब्लिट ऑफलाइन का मेल है, इसमें ग्रीन फिशर सब्लिट ब्लू सब्लिट पेल फेलो की हैं, इंशाल्लाह ये भी मेरे फर्स्ट ब्रीड करेंगे इस सीजन। इसके नीचे फिर एक खिज़र भाई अल्बाइनो रेड टू सब्लिट का पेड़ है, अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल मेरे घर की तैयार हुई थी, तो मेल मैंने बाइक से परचेज किया था। सही सही। तो इनकी भी बहुत अच्छी है अभी थी माशाल्लाह बच्चे की, और एक आधा बच्चा इनमें से भी रेड आइज मुझे आया था माशाल्लाह जी। इसके साथ इरफान भाई जी, खिज़र भाई इसके साथ फिर मेरा एक ग्रीन यूविंग सब्लिट ब्लू सब्लिट पार ब्लू का मेल है, और ब्लू फिशरी की फीमेल है, ये थोड़ी सी डर्टी मास्किंग में थी, तो ग्रीन के साथ इसी लगाया कि इसकी आगे क्वालिटी अच्छी आएगी बच्चों की, बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे बर्ड्स हैं इरफान भाई आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह। खिज़र भाई इसके साथ ये मेरा ग्रीन फिशर सब्लिट ब्लू का पेयरिंग है जी, ये दोनों सब्लिट ब्लू है। सही सही। ग्रीन फिशर सब्जेक्ट ब्लू भाई मेल है, ग्रीन फिशर सब्जेक्ट ब्लू की ही है। सही सही। इसके साथ ये मेरी ऑयली की फीमेल है जी, ग्रीन फिशर ऑयली की फीमेल है, और फर्सनाटा का ना नॉर्मल क्वालिटी में मेरे पास एक बच्चा निकला था। सही। तो ये मेरी होमब्रीड है, वो मैंने इसके साथ लगा दिया। सही। इसके साथ ये मेरा सजी पिछले साल का सबसे ब्रीडर अच्छा पेयर है, ये वायलेट फिशरी है जी, और इसके साथ है जी वायलेट का पार्लू का मेल है, इसने माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी ब्रीड दी माशाल्लाह। इसके साथ ये मेरा एक फोस्टर पेयर है जी, कॉमन टीनों का, ये आप सब भाई जानते हैं कि फोस्टिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं जी बहुत अच्छे ये फिजर भाई है, फिर से मेरी ये ग्रीन फिशर और अल्बाइनो ब्लैक है, इसका मेल है, ये सब्लिट ब्लू की वर्किंग के लिए है। इसके साथ फिजर भाई ये थोड़े से ना मैंने क्लोनी में बर्ड छोड़े हुए हैं, ये चार फिशर के पेयर हैं डिफरेंट ना। सही सही। फोस्टिंग के लिए ये आपने क्लोनी बनाई हुई है किस्म की? हाँ जी, ये अभी कहने के केज की जगह थोड़ी भी और केज जाएंगे फिर वन बाई वन हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये मैंने कुछ फोस्टिंग के लिए ना कट्ठे पीस छोड़े हैं, इसमें लूक बाड़ भी है और भी है। और इसी के साथ ये फिर मेरा होम ब्रीड का पार्लू वायलेट डबल सेक्टर का मेल है, और इसके साथ ग्रीन फीचर सब्लिट ब्लू सब्लिट पार्लू की हैन है जी जी। इरफान भाई ये ब्लू जी, खिज़र भाई ये ब्लू मिस्टी सब्जेक्ट इनो का मेल है, और पार ब्लू पास्टल सब्जेक्ट इनो की फीमेल है। इसके साथ ऊपर ये लटिनो पर्सनाटा रेटो सब्जेक्ट की पेयरिंग है जी, ये पॉसिबल ब्लू ब्लू भी है जी, अगर ब्लू कंफर्म हो गया तो इंशाल्लाह इसमें अल्बाइनो रेड भी है। और ये मेरा ब्लू टू का पेयर है जी, खिज़र भाई ग्रीन यूविंग सब्जेक्ट ब्लू सब्जेक्ट पार ब्लू पॉसिबल ऑफलाइन का मेल है, और डी डी ब्लू भी है, लेकिन इसने ये
ऑफलाइन नहीं कंफर्म हुआ लेकिन ब्लू तो कंफर्म हो गया, इसमें सारे बच्चे पास ब्लू देखा है यूविंग में और ब्लू से भी। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त भाई माशाल्लाह। ये छोटी सी प्यारी सी कलोनी नज़र आ रही है, इस पर आपने क्या कुछ पा के रखा हुआ है ये भी अपने व्यूवर्स को दिखाएं। जी जी खिज़र भाई, इसमें ये ब्लू पेस्टल के कुछ पीस हैं जो सॉलिड इनो है और इसमें पार ब्लू क्लियर हेड के पीसेज हैं जी, टॉप क्वालिटी के फिशिंग मास्क और सब कुछ डी एन ए से या कुछ डी एन ए के बगैर, ठीक है सारी मेरी होम ब्रीड है। इसमें ब्लू पेस्टल है, पार ब्लू है, डिफरेंट है और इसमें ब्लू फिशरियाँ हैं। और जो ये इसमें खिज़र भाई ये देखेंगे ब्लू फिशरियाँ हैं ना, ये वाली पॉसिबल जो इसमें मेल होंगे वो पॉसिबल ब्लू टू है और पॉसिबल ऑफलाइन है। माशाल्लाह और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के फिशिंग मास्किंग के पीस हैं, देख रहा हूँ और ये सारे फर्स्ट क्लच या सेकंड क्लच के पीस हैं। माशाल्लाह क्योंकि मेरे पास दूसरे बर्ड मैंने काफ़ी सारे फेंक दिए, ये कुछ रोके थे अपने लिए तो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पीस अवेलेबल हैं तो माशाल्लाह ये सारी मेरी होम ग्रेड है। साइज वाइज क्वालिटी वाइज आप खुद सकते हैं इरफान भाई, एक और बात बताएं, ये जो आपने रखी हुई है मशीन या ये क्या चीज़ है सामने, ये हमारे जो अपने जी खिज़र भाई जो हमारे शौकीन अफराद है वो तो जानते हैं सीड ड्रिल मशीन है, दाना साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। सही 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 सही। तो बाकी खिज़र भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी छोटी सी एवरी थी। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आपका ये साइज क्या है इसका एवरी का, ये छोटी सी है और आपने रखा माशाल्लाह बहुत कुछ हुआ इसमें। खिज़र भाई जिस साइड पे आप खड़े हैं ना, इस तरह अगर लेंथ देखी जाए तो ये 12 फीट है। सही सही सही। अगर चौड़ाई देखी जाए तो ये सजी 8 फीट है। माशाल्लाह। तो ये मैंने अपनी तरफ से तो न्यू बनाया था लेकिन ये आरजी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हमने कंस्ट्रक्शन का काम करना है इधर, तो फिर ये थर्ड फ्लोर पे चले जाएगी ऊपर। सही सही। तो इंशाल्लाह वो सारी छत मेरे पास बर्ड्स के लिए होगी। सही सही। बाकी मैं देख रहा हूँ आपने हीट को कवर करने के लिए भी काफी इसका किया हुआ जी, काम जी, है। भाई जैसा कि ऊपर ना थर्माकोल शीट की मैंने ना ये सीलिंग की है क्योंकि ऊपर फाइबर थी जी जी, अगर अकेली फाइबर हो ना तो फिर नीचे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जब गर्मी धूप होती है तो ये चिक्के मैंने लगाई हुई है नीचे कर देता हूँ। सही सही। फ्लाई ना कर सके और कोई नुकसान वगैरह भी ना हो। सही सही। तो बाकी ये छोटी सी एवरी बनाने का जल्दी से ये एक दफा ही अच्छी बना लो, लेकिन ये था कि पीछे मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, वो देखभाल करती है, तो मम्मा से कई दफा ना बर्ड्स बाहर भी आ जाता है, फिर यह है कि फ्लाई नहीं हो सकता। सही सही। पहले मेरा सेटअप ओपन था। जबरदस्त जबरदस्त। बाकी आप कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर कीजिए कि आपको हाफिज बर्ड ऑफिशियल का सेटअप कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला सेटअप था, एक और सेटअप है उसकी वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी इंशाल्लाह। और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको हमारी हर अपडेट वीडियो बआसानी मिलती। बहुत सारी दुआओं से हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेटअप में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।